नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ब्लैक एंड वाइट पे बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को मिला करके एक पेंटिंग तैयार करेंगे मधुबनी की। जैसे मैंने मोर बनाऊंगी, इसके अंदर मैं बनाऊंगी एलिफेंट, इसके अंदर बहुत सारे एनिमल और बहुत सारी चीज़ें डालूंगी, फिश डालूंगी। अभी तक मैंने जितना मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, आपको स्टेप वाइज सिखाया, वो सारी चीज़ें मैं इसमें ट्राई करके डालूंगी। तो एक तरीके से आपका ये लर्निंग भी हो जाएगा, आपको मज़ा भी आएगा बहुत। तो फिर पहले तो मैं बॉर्डर तैयार कर रही हूँ। हर बार की तरह जो मैं बॉर्डर तैयार करती हूँ वो 1.5 इंच का गैप रख के बनाती हूँ कि इसके अंदर एक बॉर्डर अच्छा सा फिल करके तैयार कर सकूँ। मधुबनी में क्या होता है कि आप उसको पूरी तरह से भरना होता है, आपको कछनी बनानी होती है, भरनी बनानी होती है, इसीलिए कि वो एकदम सुंदर और निखर के आए। जैसे ये देखिए, मैं बना रही हूँ सूरज। पहले एक सर्कल बना लिया है मैंने परकाल के मदद से, फिर उसके अंदर मैं कचनी कर रही हूँ। ये तो ज़रूरी है कि डबल दोहरा करने के बाद फिर उस कचनी करते हैं। ये देखिए मैं लाइन बना रही हूँ, लेकिन हाँ ये आप ध्यान रखना कि जब सर्कल बनाओ तो बीच में एक लाइन ज़रूर खींचना, एक आप सिमेट्री बन जाएगी। इसमें मेरे से गलती ये हो गई कि सिमेट्री बनाना मैं भूल गई, जिससे मूछ जो है भाग गई है। लेकिन अब ख़राब नहीं कर सकती हूँ मैं, वरना मतलब ख़राब हो जाएगा, कहना चाहती हूँ ख़राब हो जाएगा अगर मैंने अभी ज़रा सा भी उसमें कुछ किया। खैर कोई बात नहीं, ये तो फ्री हैंड है तो ये भी चलता है, क्योंकि मधुबनी में जितना आप फ्री हैंड चीज़ बनाते हो वो मतलब वो निखर के आता है। मधुबनी इसीलिए तो फेमस है कि उसमें जब हाथों से बनी हुई चीज़ें ऊपर नीचे गलतियाँ थोड़ी सी होती हैं, डिसबैलेंस, तो वो अलग ही एक निखार लेके आती हैं। इसीलिए कहा गया मधुबनी बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत अट्रैक्टिव है ये। अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा कि कैसे बनाया, लेकिन जब आप बनाने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है, लेकिन बहुत ईजी भी अगर आप बनाते रहो कोई भी चीज़ को। जिस प्रकार देखो मैंने इसमें फ़िश डाला है, हर बार फ़िश आप देखते होंगे, फ़िश भी बनाया है मैंने, बनाया बहुत सारे फ़िश आपको ट्राई करके दिखाए हैं। अब एक सर्कल बना करके आप ज़रूर बनाइएगा। अब देखिए मैं उसे कवर कर ले रही हूँ एक सर्कल से। अब इस बॉर्डर को जो मैं बना रही हूँ इस पर एक और लेयर चढ़ाऊँगी, आउटलाइन करूँगी एक और सर्कल से। फिर देखिए मैंने लाइन लाइन कर रखी है, ये थोड़ा सा ब्लर सा हो गया है मेरी पिक्चर, लेकिन देखने में तो समझ में आ रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, कैमरा हिल गया था, खैर कोई बात नहीं, समझ में आएगा आपको भी, मुझे तो थोड़ा दिख रहा है। अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, मैं दोबारा से वीडियो ज़रूर डालूंगी इसकी। और बीच में मैंने जो गैप छूटा हुआ है उसमें मैंने भरनी की है, भरनी में कुछ नहीं, एक छोटा छोटा जैसे माइनस बनाते हैं ना, वो एक लहर, इसे लहर बोलते हैं, मैंने लहर बनाया है गैप दे दे करके। बस थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट कोई बात नहीं। अब देखो मैंने फिश ये बना रही हूँ, सॉरी एलिफेंट बना रही हूँ। अब ध्यान से कैच करना, बहुत इजी तरीके से बनाया है मैंने ये, आप बहुत आराम से बना सकते हो, इवन छोटा बच्चा भी बना सकता है ये फिश, सॉरी एलिफेंट। अब अभी देखना मैंने किस तरीके से उसको इतनी ईजी तरीके से बनाया कि आप किसी भी बच्चे को बना सकता है वो, I'm damn sure, मतलब मैं पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कोई बच्चा बना सकता है। तो जिस तरीके से मैंने उसमें भरनी की हुई है वो भी करना है, क्योंकि ये प्लेन कभी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं पेंट भी नहीं कर रही हूँ, ये पूरा ब्लैक एंड वाइट है, तो जितना हो सके उतना भरना है आपको। अभी देखिए मैंने मोर बनाया है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप बना सकते हो, आपके घर में बच्चे हो तो वो बना सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कंसल्ट करना, कमेंट करना, मैं ज़रूर उसमें आपकी हेल्प करूँगी। ये देखिए मैं फिर पत्ती बना रही हूँ, उसी मोर के पंखुड़ी पीछे से पर में से निकाला है। जितना भी हो सके आप उसको भरो, भरना ही मधुबनी का ये टैलेंट है। जितना भी, जैसे कितनी भी खाली स्पेस रहे ना, यू हैव टू फिल देम, मतलब जितना भी भरा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे देखो मोर में मैंने कितना उसे भरा हुआ है, एकदम ऐसे भर दिया कि एक भी स्पेस नहीं छूटा है, कि हाँ कुछ भी जगह खाली हो। तो ये फाइनल मैंने इसको बनाया है। इसी तरह आपको भी पत्तियाँ बनानी हैं उसके साइड साइड में, जितना हो सके आप भरो उसको,
कितना भी हो सके, मतलब सुंदर भी लगे उतना भी भरो। खैर अब देखो ये पत्तियां भरने के बाद मैंने सर्कल से भी ये कवर कर रखा है, डबल लाइन की है आउटर भी और इनर भी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, अब मैं बनाऊंगी इसके बाद लास्ट जो सर्कल मैं कवर करूंगी बॉर्डर में, वो कुछ आप नेचर से जुड़ा रहेगा। गेस करो आप। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ कि क्या बनाने वाली हूँ। पहले पत्तियाँ तो ख़त्म कर लेने दो भाई मुझे। देखो किस तरह से मैं पत्तियाँ सारी बना रही हूँ। ये पत्तियाँ आपको बना के दिखा रही हूँ कि देखो टाइम तो लग रहा है, बट जब तक आप भरोगे नहीं उसको सुंदर नहीं लगेगा, खाली खाली नहीं अच्छा लगता। ये देखिए किस तरीके से मैंने ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब ये बना रही हूँ मैं कमल जी, ये नेचर से रिलेटेड लास्ट में कमल से इसे क्लोज करूंगी। ये इधर साइड में भी कमल करूंगी, फिर बीच में मैं जोड़ूंगी इन्हें फिश से। बड़ा ही अच्छे तरीके से देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी स्टेप डाले हैं मैंने इसमें कि ये बच्चे भी बना सकें, एंजॉय कर सकें। इसमें कोई भी टफ नहीं है, देखिए आराम से आप बना सकते हो, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। देखिए किस तरीके से मैं इसमें फिश बना रही हूँ। अच्छा ये जब तैयार हो जाए तो फिर लाइंस अंदर करनी है, वो भरनी है और एक एक लेयर आपको आराम से करना है। इसमें कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी, घबराने वाली बात नहीं है, हो जाएगी आराम से। और इसी तरह कमल के अंदर आपको फिल कर देना है। ये मैंने पूरा एक कमल करके आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद क्योंकि ज़्यादा एक एक हर स्टेप बताऊंगी ना फिर आप बोर हो जाके मेरी वीडियो स्किप कर दोगे, तो फिर आपको चीज़ें जो है समझ में नहीं आएंगी, फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है तो अब देखो ऐसे ही इसमें भी मैं कर रही हूँ। देखो किस तरीके से इसे एक बार फ्लो आ जाएगा तो आप भी करने लगोगे। देखो बहुत ईजी है ये। अच्छा हाँ, आप वीडियो देखते हो, ध्यान देते हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि ना मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रही हूँ। इवन आपकी जो क्वेरी है आप ज़रूर क्वेश्चन पूछा करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि मुझे समझ में आता है कि हाँ आपको कुछ मेरी वीडियो से समझ में आ रहा है, आप सीख रहे हो, या मुझे कुछ गलतियाँ की है मैंने बच्चों को समझाने में, या कुछ मिस्टेक हो रहा है नहीं समझा पा रही हूँ, तो वो आप पता चलेगा मुझे, तो देन मैं इम्प्रूव करूँगी, फिर आपकी हेल्प कर पाऊँगी। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं नहीं सीख पाते हैं, उन इवन वुमेन हैं नहीं सीख पाती हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो अगर मैं उनकी भी हेल्प कर पाऊँ तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मुझे मतलब ये बात पता है कि फ्री नहीं हो पाती हैं औरतें, लेकिन जब फ्री होती हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि बाहर जाके सीख सकें। तो YouTube बहुत अच्छा माध्यम है कि आप उनसे सीख सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ, तो इसमें कोई ज़्यादा चार्जेस भी आपको पे नहीं करने पड़ते हैं। और आपका मैं टेस्ट भी लेती हूँ, लाइव क्लासेस होते हैं जिसमें मैं, आप घबराने वाली बात भी नहीं है कि लाइव क्लासेस में ध्यान नहीं होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको पेंटिंग प्रैक्टिस के लिए दी जाती है, आपकी चेक होती हैं कॉपियाँ, आपको अच्छे फीडबैक मिलते हैं, आप सारी चीज़ें देखोगे उसमें। तो आप बेझिझक कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। इवन मेरे बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, मैं वीडियोस डालती हूँ जो सिखाती हूँ मैं, उसकी शॉर्ट वीडियोस और आपको रील डाल के देती हूँ, आप लोग देखते हो सीखते हो। अगर फुल वीडियोज़ देखनी हो तो प्लीज़ ऑनलाइन आप मुझसे जुड़िए, कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉन्टैक्ट करिए, कमेंट करके पूछिए। अगर यहाँ तक बने तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।